नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र द मसला में। मसला आज का ये कि क्या हरियाणा में छापेमारी का ट्रेंड चल पड़ा है, क्योंकि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के तहसील कार्यालय में छापा मारा। और इससे पहले आपको पता है कुछ दिन पहले ही होम मिनिस्टर अनिल विज ने भी छापा मारा था। आज मनोहर लाल खट्टर जो कि सीएम हरियाणा के, उन्होंने अचानक छापेमारी की तहसील कार्यालय में और उन्होंने कहा कि वहां पर कई कमियां पाई गई, गड़बड़ झाला चल रहा था, मुझे शिकायतें भी मिली थी, इस वजह से अचानक छापेमारी की गई और चार लोगों को मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया। इसमें एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, एक रजिस्ट्री क्लर्क और एक पटवारी को सस्पेंड किया गया है। अपने ढंग से लोगों को परेशान करते थे और कहीं कहीं पैसे लेने की भी इनकी शिकायत मिली थी। अचानक औचक निरीक्षण मैंने किया, उसको अपने आंखों से देखा, अपने सामने आप लोगों के सामने मैंने जब उसको चेक किया तो एक रजिस्ट्री तो 27 नवंबर की, वो भी रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पास पड़ी है और उसके जिम्मेवार तहसीलदार भी है, नायब तहसीलदार भी है, रजिस्ट्रेशन क्लर्क भी है। एक व्यक्ति लगातार 9 दिन से अपने पटवारी को ढूंढ रहा है। तो इस प्रकार के हालात को देखते हुए वास्तव में ये एक जो काम मैंने आज किया है उसमें सबको मैसेज आएगा पूरे प्रदेश में। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा कि इस प्रकार लोगों को परेशान करेंगे। रजिस्ट्री का नियम है सेम डे रजिस्ट्री हो उसके बाद शाम तक वो डिलीवर होनी चाहिए। इसलिए आज तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्रेशन क्लर्क और एक पटवारी, इन चार लोगों को सस्पेंड किया है। इससे कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा जब विज साहब ने छापा मारा था नगर निगम कार्यालय में तो उन्होंने भी गड़बड़ झाला पकड़ा था और 5 लोगों को सस्पेंड किया था। अब इससे कई सवाल खड़े होते हैं। ये जो छापेमारी हुई है हरियाणा में, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि क्या अब छापेमारी का ट्रेंड चल पड़ा है हरियाणा में और क्या आगे आने वाले दिनों में भी ये देखने को मिलेगा और क्या आप दूसरे मंत्री भी ऐसा ही करेंगे। दूसरा सवाल ये, जो कि बड़ा सवाल है, वो ये कि अगर सीएम सिटी करनाल में ही गड़बड़ झाला मिल रहा है, वहां पर ही भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, मतलब कुछ दिन पहले विज साहब ने अगर ये पकड़ा उसके बाद भी डर नहीं है वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों में, उसके बाद अब सीएम ने पकड़ लिया, तो मतलब अगर सीएम सिटी करनाल में ही ऐसा मामला चल रहा है तो हरियाणा के दूसरे हिस्सों में क्या हाल होगा। और अगला सवाल यह है कि क्या अनिल विज साहब को देखते हुए ही यह छापेमारी की गई है। दरअसल जब विज साहब छापा मार रहे थे, उन्होंने कई जगह छापा मारा है, तो उनको काफी सुर्खियां मिली। अब वो सुर्खियां अकेले विज साहब ना ले जाए, इसलिए अब मुख्यमंत्री साहब ने भी छापा मारा है और अब आगे आगे देखना दूसरे मंत्री भी छापा मारेंगे। और अगला सवाल यह कि क्या इस तरह की छापेमारी से और सस्पेंड करने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा और यह मैसेज जाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने आज बोला छापेमारी के बाद कि इससे एक मैसेज जाएगा दूसरे ऑफिस में भी, दूसरी जगह पर भी, और शायद ये काम कम हो जाए। तो दोस्तों सवाल बहुत हैं लेकिन उसके जवाब आगे आने वाले समय में पता चलेंगे कि इस छापेमारी से कितना फर्क पड़ता है हरियाणा में। कि जिन लोगों को यह लत लगी हुई है, जिन लोगों की आदत बन गई है रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और उसके बिना काम नहीं करना जनता का, क्या वो सब अफसर या कर्मचारी ईमानदार हो जाएंगे? क्या उनमें डर पैदा होगा अनिल विज या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की छापेमारी से? ये डर या मैसेज पैदा होगा और वो इससे बचेंगे। एक सवाल और है, वो ये कि पिछले 5 साल में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही सीएम थे, बीजेपी की सरकार ही थी, उस समय मुख्यमंत्री साहब ने ऐसी छापेमारी क्यों नहीं की? इसका मतलब अगर अभी गड़बड़ झाला चल रहा है तो पिछले 5 साल में भी यही चल रहा होगा, उस समय ऐसा ध्यान में क्यों नहीं आया कि ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे कि मैसेज जाए। और एक बड़ी बात और, पिछले 5 साल में यानी कि मनोहर लाल खट्टर सरकार पार्ट 1 में करीब 70 तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो चार्जशीटेड थे,
जिन पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी, सेक्शन 7 के अंडर उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। तो क्या वो सब पाक साफ थे? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, एफआईआर दर्ज हुई थी, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं, उग्राही क्यों नहीं हुई थी? और अब सस्पेंड करने से क्या होगा, क्या सब कुछ बदल जाएगा? तो यहां पर सवाल बहुत सारे दोस्तों हैं। अब इसके जवाब या तो सरकार के पास हैं और या फिर आने वाला वक्त ही हमें बताएगा कि हरियाणा में अब इस छापेमारी के ट्रेंड के बाद कितना बदल जाएंगे ऑफिस में वो लोग जो कि रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के बिना काम नहीं करते। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैसेज जाएगा निश्चित तौर पर, अगर प्रदेश का मुखिया कहीं पर छापेमारी करता है, गड़बड़ झाला वो पकड़ता है और उस पर कार्रवाई करता है, सस्पेंड करता है और उसके बाद पूरी जांच के बाद कार्रवाई होती है और ऐसे अफसरों को, अधिकारियों या कर्मचारियों को सजा मिलती है, तो निश्चित तौर पर स्ट्रांग मैसेज जाएगा। लेकिन खाली सस्पेंड करने से या फिर मामले को रफा दफा करने से स्ट्रांग मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी, अनिल विज साहब से भी या दूसरे भी जो मंत्री हैं, कि जो भी गड़बड़ झाला आप पकड़ें, उस पर जो भी दोषी कर्मचारी या अधिकारी जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रांग कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सभी के अंदर ये डर, खौफ या मैसेज जाए कि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही हम ये भी कहेंगे कि अकेले करनाल में ही नहीं, हरियाणा के दूसरे हिस्सों में भी आप जाएं, क्योंकि पहले वेद साहब ने करनाल में छापेमारी की, अब सीएम साहब ने करनाल में छापेमारी की। हम कहेंगे कि हरियाणा के हर हिस्से में जाएं, हर जिले में, ब्लॉक स्तर पर भी जाएं, छोटे कार्यालय में भी जाएं, जहां पर भी कहीं से भी लोग दुखी हैं, लोग शिकायत करते हैं, तो वहां पर अचानक छापेमारी कर ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो दोस्तों, आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि जो आपसे जुड़े मसले हैं, जो कि प्रदेश से जुड़े मसले हैं, देश से जुड़े मसले हैं, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।